हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने बनाया है हैदराबादी चिकन, जो यहाँ हैदराबाद में बहुत ही फेमस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो प्याज लिए हैं मीडियम साइज की, उसे पतले पतले पीसेस में काट लिए हैं। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे तेल और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि हमें इसे प्याज को फ्राई करना है, और बीच बीच में हम ऐसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी प्याज जले नहीं और हमें जो कलर चाहिए एग्जैक्टली वही आए। और गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखें, ज़्यादा हाई ना करें, नहीं तो इससे क्या होगा, प्याज हमारी जल जाएगी और अच्छा कलर नहीं आ पाएगा। तो ये देखिए प्याज कितनी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है ना, तो सिर्फ 5 मिनट और लगेंगे और ये प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसका हम तेल अलग कर लेंगे और प्याज को हम निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने ले लिया है चिकन, उसे अच्छे से हम धुल लेंगे और उसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच तक अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कटोरी दही और जो हमने प्याज फ्राई किया था उसे, और इन सबको अच्छे से हम मैरिनेट। अब एक कढ़ाई में हम गरम कर लेते हैं धनिया, 2-3 चम्मच तक धनिया डाल देंगे हम, और इसमें हम डाल देंगे रेड चिली, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिए। और इसे थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पॉपी सीड्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सॉरी मुझे पता नहीं है, और हम डाल देंगे वाइट वाला तिल। और ये सब अच्छे से भून चुका है, आप देखेंगे इसमें से इतना अच्छा खुशबू आने लगेगी, मतलब ये अच्छे से भून चुका है। तो हम इन सबको निकाल लेंगे, अलग ठंडा होने देते हैं। और हम इसे पीस लेंगे, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है 2 कटे हुए प्याज, ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने प्याज को काट लिया है, रफली चॉप्ड कर लिया है। तो हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब कढ़ाई गर्म कर लेते हैं, एक भगोना ले लें आप उसे गर्म कर लें, और उसमें हम तेल डाल देते हैं। और तेल में डाल देंगे जीरा, दालचीनी और 2-3 काली मिर्च डाल देंगे। और उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कढ़ाई के किनारे किनारे तक कितना अच्छा तेल आ जाएगा। तो अब हमने जो चिकन में अपना मैरिनेट किया है उसे डाल देंगे, और उसे भी अच्छे से हम पूरे में फैला लेंगे अच्छे से, और कुछ देर तक ढक के हम पका लेंगे 5 मिनट तक। और फिर से हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपना। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सभी को हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लें, और 2-3 बार आप ऐसे ही ढक के चलाते रहिए। और कुछ देर के बाद आप देखेंगे कितना अच्छा इसमें कढ़ाई के किनारे किनारे तक तेल आ जाएगा। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और फिर डाल देंगे 1/2 गिलास तक पानी, आपको जितना पानी डालना है अपना डाल सकते हैं। और इसे भी हम पका लेंगे, ये देखिए कितना अच्छा पक चुका है ना। अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी कटी हुई हरी धनिया, और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और डाल देंगे हम लास्ट में गरम मसाला। लास्ट में हम गरम मसाला इसलिए डालते हैं क्योंकि उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है लास्ट में डालने से। और फिर गरम मसाला डाल के हम 5 मिनट तक और पका लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और आप गर्मा गर्म सर्व करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल